आते आते तुमने हमारा सारा मूड खराब कर दिया, ऐसा हम भगवान की युक्ति में लीन थे, तुमने आकर के सारा हमारा मूड ही खराब करके रख दिया। उनका गुरु बनाए लो। गुरु नहीं चेला बनाया जाता है। नहीं नहीं चेला नहीं बनेगा। अरे चेला नहीं मूर्ख चेला शिष्य समझते हो। हाँ काम करो जाए हमका रिच बना दे गाँव भरमाटा मंगाओ दी भी। अरे मूर्ख कहीं के रिच नहीं चेला शिष्य, पहले गुरु की सेवा करो, गुरु के हाथ पैर हमेशा दापते रहो, उसके कदमों में पड़े रहो, जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हें गुरु मंत्र देगा, तब तुम चेला बनने के लायक, तब कुछ बन सकते हो। बोबो बोबो नहीं बाबा जी कहा जाता है। लोग कहते हैं पानी पियो छान और गुरु करो जान। पानी पियो छान के गुरु करो जान के। गुरु करो जान। ये बात तुम्हारी गलत है बच्चा। गलत कैसे? आज हम तुम्हारी बात से शुरुआत कर देते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। चलो आज हम तुम्हारी बात से शुरुआत करते हैं। जैसे एक गिलास में पानी रखा हो और उसमें दो जहर की टिक्की घोल दी जाए, सल्फास की टिक्की घोल दी जाए, उसके बाद कई बार वो पानी छान दिया जाए और फिर तुम्हें पिला दिया जाए, तुम बच जाओगे कि मर जाओगे? तो मर के रहिए। तो हमारा कहना यही है पानी पियो जान कर और गुरु करो छान। गुरु की छानबीन कर लो कि ये गुरु बनने के लायक है कि नहीं है, ये कहीं ढोंगी साधु तो नहीं है। आज तो नहीं राम रहीम बाबा हो। बिल्कुल सही कहते हो बच्चा। कैसे आए हो बताओ? ये बता तुम बारे के बाबा हो कि मैं बोले? अरे चुप मूर्ख कहीं के, ये कौन सी भाषा सीखे हो बारे के निपोरे के? मतलब जैसे बहुत कत्ल करे डकैती डाले, कोई लोटिया जा दिन कोई बिटिया जा दिन और बचे के ताई दाढ़ा रखा ली बाबा हुई है, उनका हम नपोरे के बाबा कहे? अरे बच्चा हम तो बचपन के बाबा हैं। बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी बचपन के बाबा हैं हम बच्चा, जंगलवासी सन्यासी। तो तुमका कुछ आवाज आती हुई? नारियों को हम देख लेते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंखें नहीं तो आंखें गायब हो गई देते। कहो कैसे आए हो, क्या चाहते हो हमसे? क्या बताओ लेवैया क्या लेना चाहते हो? गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो? इसे ले भी नहीं। हाँ नहीं, अगर तुम बाबा हो तो तुम्हें कुछ आवाज आते हो? हमें सब कुछ आता है, क्या तुम सुनना चाहते हो? भजन भजनिया। अरे भजनिया नहीं भजन कहा जाता है। श्लोक श्लोकिया। अरे तुम काम की बात करो, हमें हर चीज का जोड़ा होता है। अच्छा पहले आप कोई श्लोक सुनाइए। तो श्लोक सुनना चाहते हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हैं ना चरवाहन। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। और श्लोक संस्कृत में होते हैं, तुम्हें समझ नहीं पाओ। चलो हम तुमको श्लोक सुनाते हैं। यहाँ के बाद बताए उठकर बोलबो न करो, नहीं तुम कहो संस्कृत आके में गबड़ी। हम देखो तुमको साधारण श्लोक बताएंगे, समझ लो हमारी बात। हाँ। वो श्लोक अगर तुम समझ गए हो तो समझ लो सब कुछ समझ गए हो। ठीक है सुनो हमारी बात। बताओ। पांच कंकणम कंकणम, दस कंकणम कमंडलम, घासा फूसा नदी नारा, गढ़ घिसली समंदरम। तोरी बाबा की बहन बाबा जी है शिक्षा दे दो तुम है। अरे बच्चा हमारी बात तो सुनो पहले, तुम क्या समझ गए? हमने कहा था कि श्लोक संस्कृत में होते, तुम समझ नहीं पाए हो। हमने क्या कहा है? पांच कंकड़म कंकड़म, दस कंकड़म कमंडलम, घासा फूसा नदी नारा, गढ़ घिसली समंदरम। जैसे कि मान लिया आप सफर तय कर रहे हैं, कहीं की तीर्थ यात्रा में मशगूल हो गए। चलो कहीं जा रहे हैं। अरे जैसे कि मान लो माँ वैष्णो देवी को जा रहे हो। अरे चलो हम बारात जा रहे हैं। अरे समझ लो ऐसे ही समझ लो, हाँ बारात जा रहे हो और तुम्हारे पाखाना लग गया, पानी का बंदोबस्त नहीं है। तो पानी का बंदोबस्त नहीं तो तुमने जाकर के पाखाना कर लिया, पांच कंकड़ मतलब डीले लेकर के पहुंच करके फेंक दो, और दस कंकड़ लेकर के अगर पहुंच कर फेंक दो तो समझ लो हमने एक कमंडल में आप दस्त ले लिया। पांच कंकड़म कंकड़म, दस कंकड़म कमंडलम, और घास में अगर रगड़ डालो, घास में रगड़ डालो तो समझ लो हमने नदी नदी नारे में आप दस्त ले लिया। और जो बरुआ रेत में गढ़ घिसली कर लो,
तो समझ लो कि तुमने समुद्र में आप दस्त ले लिया। हाँ तो बिल्कुल चम्मो हो जाए। अब चलो हमका देव छ। अब बच्चा ये सामने से गांव के देखो सब किसान हमारी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं, इनसे भी मिलना है उसके बाद चलेंगे। अभी देखते हैं खेतों देखते हैं कौन सा। कहते हैं बाबा तुम मगन हुए राम गुण गाय के, तुम कह रहे हो बाबा मगन हुए भूरे भात खाई के। राम गुण गाय भूरे भात राम गुण गाय के। क्या कहे हो? हम तो कहे हैं बाबा खाएं सूखे भौरा। हम कहे बाबा खाएं सूखे लड़ुआ। लड़ुआ हम समझे कुछ और कह रहे हो? कुछ और तो बाबा खाएं सूखे भौरा। हम कहते हैं अलग रंजन नारायण नारायण, तुम कहते हो अलग अलग इंजन नायलाइन नायलाइन। बच्चा सभी बातें छोड़ो, अब देव चले। अरे क्या दे चले, ज्यादा बेचैन हो। आज हम तुम्हें एक राज की बात बता देते हैं। राज हमारे भी एक लड़का है। हाँ बताओ। हमारे एक लड़का है। अच्छा तो अत्य दिन में हमका लौंडा पढ़ा रहे हो। तुम्हारे एक लड़का है और हम ऐसे बने लड़ुआ घूम रहे हैं। अरे नहीं बच्चा, वो हमारा सगा बेटा नहीं है। सगा नहीं है? दरअसल में वो हमारे भाई थे, उनका लड़का है। अच्छा भतीजा। बेचारा मासूम था, तब उसके माता पिता का कहने का मतलब हमारे भाई और हमारी भाइयों का एक्सीडेंट हो गया था। तो लौंडा बुरा होगा। अब ऐसे ही समझो, माता पिता का साया छूट जाने के बाद लड़के की क्या हालत होती है। लेकिन हमने उसे महसूस होने नहीं दिया। हमने उसे पाल पोस कर शयाना कर दिया, विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता है। अब तुम एक कमंडल ले लो, जरा एक कमंडल पानी लेकर के बढ़िया साफ लेकर के आओ, और थोड़ी कंडिया भी लेना। भौरिया लगा। अच्छा लौड़िया भौरा। लौड़िया नहीं भौरिया। जाओ चलो तुम भजन करो, हम अभी जा। पढ़ चलो। अरे तुझको पढ़ा